Hello everyone, so I Ritik Singh welcome you all on this channel of mine with a new poem, that is The Professor by Nizam Ezekiel. So let's start the poem. Remember me, I am Professor State. Once I taught you geography. So here the thing is that a professor has met his old student and he wants to talk to him and he is wanting him to remember him. So he is saying, remember me, I am Professor State. Once I taught you geography. क्या आप मुझे पहचान सकते हैं? प्रोफेसर सेठ हैं जो आपको geography पढ़ाते थे. Now I am retired, though my health is good. तो कहते हैं कि कई बार यू नो लाइक 65 से 65 आदमी रिटायर होता है तो ऑफकोर्स इस एज पे बहुत बीमारियां होती हैं. बट यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं वो ये बताते हैं कि हम रिटायर्ड हैं लेकिन फिर भी जो मेरा हेल्थ है वो उम्र के हिसाब से खराब नहीं हुआ है. आई एम फाइन, आई एम गुड. माई वाइफ डाइड सम ईयर्स बैक. By God's grace, all my children are well settled in their life. और होते हैं ना कि जैसे कि आप देखे होंगे या फिर हमेशा हम लोग यू नो जानते हैं पढ़ते हैं कि जो एक ओल्ड एज में लोनलीनेस होता है वह बहुत ज़्यादा इंसान को अंदर खा जाता है. इसलिए इंसान चाहता है कि लोग उनसे बातें करें. हेयर ऑल्सो इफ यू सी दैट द स्पीकर इज साइलेंट अवे हर, सॉरी द लिसनर इज साइलेंट अवे हर एंड The professor who is the speaker, he is narrating all the things by himself as well. ठीक है? So he is saying कि मेरा जो health बिल्कुल सही है. जो मेरी wife है उनके कुछ साल पहले death हो गई. मेरे सारे बच्चे भगवान की दया से settled है. One is sales manager, the one is bank manager, both have cars. एक sales manager है और एक bank manager है. दोनों के पास cars है. Other also doing well, though not so well. और जो तीसरा बच्चा है इनका वो कहते हैं कि वो भी ठीक कर रहा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कर रहा है. एवरी फैमिली मस्ट हैव ब्लैक शीप. ब्लैक शीप यहाँ पे जो रेफरेंस है वो इससे है कि आपने देखा होगा घर में यू नो अगर तीन चार लोग तक फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं हमारे सिनेमा में बॉलीवुड में या एनी वे लगाट कई बार होता है कि फादर या उनके सन्स सक्सेसफुल होते हैं और जो उनके अदर सन्स होते हैं ग्रैंड सन्स होते हैं वो बिल्कुल भी फ्लॉप हो जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि हर घर में जरूर कोई एक ऐसा होता है जो अनसक्सेसफुल हो जाता है, यू नो बीइंग अनफॉर्चुनेट. सरला एंड तरला आर मैरिड, देयर हस्बैंड्स आर वेरी नाइस बॉयज. और इस तरह से पता चलता है कि इनके तीन लड़के और दो लड़कियां हैं क्योंकि जो दो लड़के इन्होंने बताया कि एक सेल्स मैनेजर है और एक बैंक मैनेजर है. एक इज नॉट डूइंग वेल मच इन हिज लाइफ and then he refers to the two daughters of his, that is Tarla and Tarla. वो दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों के husbands बहुत ही अच्छे लड़के हैं. You won't believe but I have 11 grandchildren. और इन पांचों बच्चों को मिला के इनके 11 grandchildren भी हैं. How many issues you have? 3. Issues here means children. Okay. So means he's asking कि मतलब तुम्हारे कितने बच्चे हैं. Of course अगर आप ये रेफरेंस समझ पा रहे हैं तो आपको समझ सकते हैं कि अगर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और ये कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाता था इसका मतलब इनका एक स्टूडेंट है बहुत साल पहले पास किया था, राइट? तो मे बी इसकी शादी हो गई होगी, जॉब लग गया होगा. तो इजाजत है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3. दैट इज गुड. दीज आर डेज ऑफ फैमिली प्लानिंग. आई एम नॉट अगेंस्ट, वी हैव टू चेंज विद टाइम. तो कहते हैं कि गुड, मतलब कि जैसे यहाँ पे हम लोग रेफरेंस कर लेते हैं कि जब उन्होंने बोला 3 तो मे बी उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया बिकॉज एज आई टोल्ड यू द लिसनर इज म्यूट. ओके, सो ही सेइंग कि दैट इज गुड क्योंकि आज के जमाने में फैमिली प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं क्योंकि हम लोगों को समय के साथ बदलते रहना चाहिए. होल वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड इंडिया ऑल्सो वी आर कीपिंग अप. पूरी दुनिया बदल रही है और हम इंडिया वाले भी अब उसके साथ बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं. अब प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस और जो भी हमारे प्रोग्रेसेस हैं फिलहाल तक वो सब और ऊपर ही हो रहे हैं, हम लोग की और ग्रोथ हो रही है. ओल्ड वैल्यूज आर गोइंग, न्यू वैल्यूज आर कमिंग. और इस लाइन से वो ये भी बताते हैं कि आजकल के बच्चे किस तरह से हैं जो टीचर्स या पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव भी कर रहे हैं और पहले के ज़माने में एकदम टोटली ऑपोजिट होता था. पहले के ज़माने में बच्चे बहुत ही वैल्यूड होते थे, बहुत ही कल्चर्ड होते थे. आजकल के लोग रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं. एवरीथिंग इज हैपनिंग विद लीप्स एंड बाउंड्स और सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है. आई एम गोइंग आउट रेयरली नाउ एंड देन, ओनली दिस इज प्राइस ऑफ ओल्ड एज बट माई हेल्थ इज ओके.
वो कहते हैं कि मैं बाहर बहुत कम निकलता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि बूढ़े जो भी लोग होते हैं, बूढ़े लोग यू नो बहुत कम निकलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू वॉक मच, दे आर नॉट एबल टू रन मच। तो ये सेइंग कि ये सब कुछ ओल्ड एज का गिवन है कि मैं ज़्यादा निकल नहीं पाता, लेकिन फिर भी मेरा जो हेल्थ है वो ओके है। यूजुअल एक्स एंड पेन्स, बस थोड़े बहुत यू नो पैरों में या घुटनों में दर्द वर्द रहते हैं। नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक। ये जो तीन बड़ी बीमारियां हैं जो अक्सर बूढ़े लोगों में हो जाती हैं, इसमें से कोई बीमारी मुझे नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ साउंड हैबिट्स इन यू। साउंड हैबिट्स मीन्स गुड हैबिट्स। वेन मीन्स ही वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट इफ यू वॉन्ट इफ यू आर ओनिंग गुड हैबिट्स इन योर यंग एज, देन यू मस्ट हैव नॉट नो प्रॉब्लम इन योर ओल्ड एज एज वेल। हाउ इज योर हेल्थ कीपिंग? नाइसली, आई एम हैप्पी फॉर दैट। कहते हैं कि तुम्हारा हेल्थ कैसा है? अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है ये जान के। दिस ईयर आई एम 69, मैं 69 का हो चुका हूँ, एंड होप टू स्कोर अ सेंचुरी, और चाहता हूँ कि 100 साल के बाद ही मेरी डेथ हो। यू वर सो थिन लाइक स्टिक, नाउ यू आर अ मैन ऑफ वेट एंड कॉन्सिक्वेंस, दैट इज गुड जॉब। वे कहते हैं कि कितना कॉन्ट्ररी ये दुनिया है कि जब मैं तुम्हें पढ़ाता था तुम एकदम पतले से लकड़ी के तरह थिन थे, अब तुम वेट एंड कॉन्सिक्वेंस मीन्स तुम अब एक रेप्यूटेड पर्सन हो चुके विद अ गुड पोस्ट, एंड ऑल्सो यू हैव गेन्ड वेट, यू हैव गेन्ड बॉडी। इफ यू आर कमिंग अगेन दिस साइड बाई चांस, विजिट प्लीज माई हम्बल रेसिडेंस ऑल्सो, आई एम लिविंग जस्ट इन ऑपोजिट हाउस। मतलब कि तुम्हारे जो ऑपोजिट हाउस है उसके जस्ट पीछे वाले घर पे हम रहते हैं, और अगर तुम इस साइड आते हो तो प्लीज मेरे घर पे भी जरूर आना। तो ये जो लाइन है वो ये शो करती है कि हमारा जो लाइफ है वो इतना बिजी है, इतना हम अपने शेड्यूल्स में अपने रूटीन्स में बिजी हो जाते हैं कि अगल बगल के लोगों को भी ध्यान नहीं देते। जस्ट इमेजिन इट्स ही हैज नेवर सेड कि मतलब मेरा घर इतने किलोमीटर दूर है फलाना वगैरह वगैरह, बट ही हैज सेड कि बस इसके ऑपोजिट के घर के पीछे। सोचिए कितने पास है इसका घर, फिर भी इतने सालों बाद ये दोनों मिल रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो टोल्ड अबाउट द बिजी शेड्यूल नाउ डेज पीपल हैविंग, सो दैट दे डोंट हैव टाइम फॉर देमसेल्व्स एंड ऑल्सो फॉर दी अदर वंस whom they meet or they know or they love as well. So this was all about the poem, The Prophet. Thank you very much.